दोस्तों सब तो पहला तो प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों अज जिहड़ी जानकारी थोड़े नाल सांझी करनी है वो शायद ही किसी सज्जन मित्र ने थोड़े नाल सांझी कीती होवे। दोस्तों 27 फरवरी 1988 जानी मौत तो 10-11 दिन पहला अमर सिंह चमकीला जी ने संगीत सम्राट चरणजीत आहूजा जी नूं एक चिट्ठी लिखी सी। उस चिट्ठी विच की लिखिया सी आजो तुहानूं पढ़ के सुणाउंदे। असीं चरणजीत आहूजा जी नूं मोबाइल ते दस दित्ता सी कि असीं पंजाब तो दिल्ली आ रहे हाँ। उन्हां सानूं कहा सी कि मैं सही 12 बजे स्टूडियो आ जावांगा। उन्हां दे दित्ते समें मुताबक असीं 1 घंटा पहला ही जाने 1 बजे के करीब दिल्ली पहुँच गए सन। असी जो दफ्तर पहुँचे स्टूडियो पहुँचे तो चरणजीत आहूजा साहब साड़ी पहला तो ही वेट कर रहे सन। जान सार उन्हां सानू जल पानी छका के ते फिर चाह छका के मैनू मुलाकात लई बुला लिया सी। मैं सारे सवाल लिख के लै गया सी। मैं सवाल कही गया ते आहूजा साहब जी जवाब दे गए। अमर सिंह चमकीले बारे इन्हां नाल कीती मुलाकात अमर सिंह चमकीला अते अमरजोत दे स्रोतियां लई पेश करन दी खुशी लैण जा रहा हां। सवाल तुहाडी चमकीले नाल पहली मुलाकात कदों हुई? चरणजीत आहूजा, मेरी पहली मुलाकात अमर सिंह चमकीले नाल उदों हुई जदों ओह सुरेंद्र छिंदे नाल बतौर गीतकार आया करता सी। सुरेंद्र छिंदे दा शागिर्द होण करके ओह उस नाल ही आउंदा सी। मेरी उस नाल पहली मुलाकात सुरेंद्र छिंदे ने ही करवाई सी। चमकीले दे परिवार बारे तुसीं किन्ना क जाणदे हो? पहलां तां मैं चमकीले दी पत्नी अते सहगायिका बीबी अमरजोत नूं ही जाणदा सी। उसकी पहली पत्नी गुरमेल कौर नूं नहीं सी जाणदा अते ना ही उसके बच्चों बारे कोई जानकारी सी। चमकीले अते अमरजोत दे मरण तो बाद उसका परिवार मेरे कोल आया। मैनू पता लगा कि उस दियां 2 लड़कियां हन। चमकीले की पत्नी गुरमेल कौर नाल अते उस दियां बेटियां नाल मेरी मुलाकात बाद विच हुई। चमकीले की गायकी किहो जिही सी? बड़ी लाजवाब गायकी सी उसकी। ओह कमाल दा बंदा सी, कमाल दा कंपोजर सी, कमाल दा गीतकार सी ते कमाल दा गायक सी। ओह अपनियां कंपोजिशनां आप ही बनाया करदा सी। ओह बहुत वड्डा लेखक सी। उसका कोई जवाब नहीं सी। आम लोकां दी उहदे बारे की राय मैं तुहानूं दसण लग्गा हां। गाजियाबाद बॉर्डर ते मेरे एक दोस्त दी ट्रांसपोर्ट सी। मैं उन्होंने मिलन गया, उत्थे 2 ट्रक ड्राइवर बैठे से। उन्हां दा उत्थे ट्रक खड़ा सी। उन्हां चमकीले दी टेप लाई हुई सी जो मेरी कीती हुई सी। ओह मैनू नहीं सी जानते कि यह कौन है। आपस विच दोवें गल्लां कर रहे सन। कोले एक STD सी। किसे दी बाहरों फारन चो कॉल आई। चमकीले दी कैसेट चलन करके उन्हां नूं आवाज़ नहीं सी सुनती फोन चों। उन्हां कहा कि भाई साहब जरा टेप बंद कर दिओ, बाहरों कॉल आई है। सानू उन्हां दी आवाज़ नहीं सुनती। उन्हां टेप बंद कर दित्ती। हुण ओह आपस विच गल्लां करन लग पए सन। कहिंदे बड़ा मज़ा आउंदा सी चमकीले दी कैसेटां सुन के। इहो जिहा वधिया कलाकार सी, उंज ही मारता किसे ने। हुण तां होर किसे दा गाना सुणन नूं रूह ही नहीं करदी यार। जी करदा है गड्डियां चों टेपां ही पटवा दईए। इह गल मैं अपने कन्नी सुनी उन्हां ड्राइवरां तों। चमकीले नूं रागां बारे किन्नी कु समझ सी? मैं तां इहो कहांगा जी, जिन्ने भी चमकीले दे समकाली गायक सन उन्हां सारिआं नालों वध रागां बारे जानकारी अमर सिंह चमकीले नूं सी। होर किसे नूं इन्नी जानकारी नहीं सी। अगर कोई कलाकार यह कहिंदा है कि मैनूं चमकीले नालों ज़्यादा जानकारी है तां ओह झूठ बोलता है, नाटक करता है, ड्रामा करता है।
अपने आप नाल धोखा करता है। जिन्नी क चमकीले नूं समझ सी इस तो घट इन्हां नूं सी पर वध नहीं। चमकीले की प्रसिद्धि का की कारण सी? ओह सारे कलाकारां नूं पिछे छड्ड गया सी। प्रसिद्धि का कारण तो मैं सब तो वड्डा इहो मन्नदा कि उपर वाले की बख्शिश होनी जरूरी है। एक गल तो तुहानूं मन्ननी ही पवेगी कि कलाकार तो कलाकार ही है। उसकी टेप चले भावें ना चले, प्रसिद्धि होवे भावें ना होवे। यह नहीं कि जेकर चार कलाकार प्रसिद्ध हैं यह ना समझ लिया जाए कि इहो कलाकार हैं, होर कोई कलाकार ही नहीं है। कई गायक अजिहे हैं जो अपनी गुमनामी दे हनेरे विच ही बैठे हैं। मैं समझदा हाँ कि परमात्मा की पूरी बख्शिश ते मेहर सी चमकीले उत्ते, जिस करके वह लोगों का चहेता गायक हो के प्रमाण चढ़िया सी। बाकी उसकी लेखनी अच्छी सी, लेखनी भी ताइयों अच्छी हुंदी है जेकर उसकी बख्शिश हो गई। चमकीले नूं लोग तरजा बारे किन्नी क जानकारी सी? वेखो उसका जन्म पेंडू जमीन ते होया। उसकी इस जमीन का, इस मिट्टी का, इस खुशबू का पता सी। उसने अपनी दादी नानी तो सुनिया, अपनी माँ तो सुनिया, अपनी भूआ भैन तो सुनिया, जो भी उसने अपने चफेरे तो सुनिया वह सब कुछ उसके खून अंदर सी। पर इन्नी कुछ समझ तो मेरे ख्याल नाल हर एक बंदे नूं हुंदी है, अपने सभ्याचार नाल जुड़िया हुंदा है। उसका वाह वास्ता उस नाल हुंदा है। वह तरजा भी अपने लोगों नाल, अपने सभ्याचार नाल जुड़ के तैयार करता है। यह गुण चमकीले विच सी जिस करके उसनूं लोक तुना बारे बेहद सूझ सी। चमकीला तरजा आप तैयार करता सी कि तुसीं करदे सी? ज़्यादातर चमकीला तरजा आप ही तैयार करता सी। कुछ मैं भी बनाईया सन, पर गल यह भी है कि सारिया मैं बना भी नहीं सी सकदा। उदों गल होर सी, उदों एल पी रिकॉर्ड आया करता सी। उदों गाने जां चर तरजां चोरी होण दा डर भी नहीं सी। कलाकार पहला ही अपने गाने तैयार करके अखाड़ियां विच गा के लोगों का रिस्पोंस वेख्या करते सी। अज कल तां पहला कोई गा भी नहीं सकदा। अज कल तां गीत गाउण तो पहला, रिकॉर्ड होण तो पहला कलाकार अपनी सकी मां नूं भी अपना गीत नहीं सुणाउंदा। अज कल टेप हो जाती है, दूजे दिन नूं गाना भन तोड़ करके रिकॉर्ड हो जाता है। उदों रिकॉर्ड होया करदे कैसेट तां हुंदी ही नहीं सी, इसे करके वह पहला ही तैयारी करके लिआउंदा सी। उसने आ के मैनूं दसना कि भाजी मैं आह गीत स्टेज ते गाया, लोगों ने बहुत पसंद किया, इस तो अलावा जिथे मेरी मदद की लोड़ हुंदी सी मैं मदद करता सी। अच्छा, चमकीले की गायकी उत्ते लोग दोष लाते हैं कि उसने अश्लील गाया है, तुहाडा की विचार है? वेखो जी, यह एक बड़ा ही कंट्रोवर्सी वाला सवाल है कि चमकीले ने अश्लील गाया है। मैं यह गल नहीं मानता कि अश्लील सिर्फ चमकीले ने ही गाया है। साढ़े तो पहला जेड़े गाने हुए हैं, जिमें हुण क्यों हो गई नी अख मार के ओले, अपनी कट्टी नूं समझा लै कट्टे दा कसूर कोई ना, आदि होर अनेक गीत हैं जो चमकीले की गायकी अते गीतकारी दे बेहद अश्लील हैं, जिन्हां दी आलोचकां ने पूरा भी आलोचना नहीं की। चमकीले की आलोचना तो सिर्फ एक तिर बना के की गई सी, उसका विरोधी एक ग्रुप से जिसने उसकी विरोधता करना ही अपना फर्ज समझिया सी। उसने जो भी गाया है वह सीधा गाया है, लोगों ने पसंद किया है। उसके कई आलोचकों ने उसकी गायकी अश्लील कहा है। हो सकता है उन्होंने चमकीले की गायकी अश्लील लगती हो, पर मैं चमकीले की गायकी पूरा भी अश्लील नहीं मानता। चमकीले तो पहला भी गायकों ने लच्चर गाया, तो चमकीले तो बाद भी गायकों ने लच्चर गाया है। पता नहीं चमकीले नूं ही इसका जिम्मेवार क्यों समझा जाता है। यह एक विरोधी ग्रुप की चाल है चमकीले नूं बदनाम करन दी।
चमकीले ने दगाने सोलो गीत लोक गीत लोक तत्थ लोक गथावां अते धार्मिक गीत गाए हन। ओह सारे बहुत मकबूल होए हन। इसका की कारण है? उसका जवाब तो मैं एक अखर विच तुहानू पहला ही दिता है कि जिस उत्ते उपराले की कृपा होवे जदों ओह किसे उत्ते भी मेहर कर दवे फिर ओह गायक चाहे कुछ भी गावे उसकी बल्ले बल्ले हो ही जाती है। चमकीले की गायकी विच उसके जनाब उस्ताद सुरेंद्र छिंदा जी का किन्ना योगदान है। देखो इस बारे तो सुरेंद्र छिंदा जी ही अच्छी तरह दस सकते हैं। मेरे हिसाब नाल बहुत बहुता चिर चमकीला सुरेंद्र छिंदा नाल नहीं रहा, फिर भी उसने जो कुछ पाया है ते जो कुछ सीखा है अपने हुनर नाल ते अपने उस्ताद की बदौलत ही सीखा है। यह कहना है जी चरणजीत हुजर। चमकीले नू मारिया गया है कि इसके मारन नाल लच्चरता घट गई है? नहीं जी, चमकीले नू लच्चरता करके तो मारिया ही नहीं गया। जिहड़े कहिंदे सी कि चमकीले नू लच्चरता करके मारिया गया है पर सब तो वध चमकीले दे गीतां नू इहो ही सुणदे सन अते हुण भी सुन रहे हन। चमकीले नू तां मरवाया कोई सियासत करके। की सियासत कीती गई? उस वेले कई लोग आया करते सन कलाकारां कोलों ते कहा करते सन कि पंथ की सेवा करो, पंथ दे नां ते कुछ दिओ, भावें उह असली सन भावें उह नकली सन। यह दाता जाने, यह तो परमात्मा ही जानता है। मैं तो इत्थे दिल्ली बैठा जी, मैनू तो बहुता कुछ इस बारे नहीं पता। कलाकारां ने कह देना कि साढ़े कोल तो नहीं जी कुछ हैगा, जो कुछ है चमकीले कोल ही है, चमकीला ही सारा काम कर रहा है। तुसीं उसनू समझा दिओ वो लच्चर गाउंदा है जी। कलाकारां ने चमकीले दे विरुद्ध उन्हां लोकां नू इन्ना गरमा दिता, इन्ना भड़का दिता। इस दे मगर पता नहीं की सियासत है, लच्चर दा तां सिर्फ बहाना ही सी। अच्छा, चमकीले दे सरोते उसनू प्यार करदे सी अते हुण भी करदे हन। बेशक नवें कलाकारां दी कैसटां बहु गिणती विच आउंदियां हन पर बालियां कैसटां मार्केट विच आउण तों पहलां ही दम तोड़ जांदियां हन। चमकीले दी कैसट आपां जो भी ला के सुणदे हां चाहे उह रीमिक्स हो के आई होवे ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਪੇਂਡੂ ਮੌਲਕਤਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾ ਲਿਓ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਗਾਇਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਸੀ। ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹੀ ਗੀਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਗੀਤ ਇੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਗਾਈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਮਕੀਲੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ
जिन्हें भी कलाकारां नूं गवाया है, चाहे किसी नूं गुस्सा लगे, चाहे लगे किसी नूं चंगा ते चाहे किसी नूं माड़ा लगे, मैनू ऐसा मर्द कलाकार कोई नहीं टक्करिया। ओह ऐसा मर्द कलाकार सी, ऐसा यारां दा यार सी जिस दी कोई मिसाल देनी भी औखी है। इस तो बाद जे कोई मैनू एहो जिहा मर्द कलाकार टक्करिया है तां ओह है सतविंदर बुग्गा, जिस ते मैनू पूरा माण है कि ओह मेरा अपना है। चमकीले दा सुभा किहो जिहा सी, बहुत ही अच्छा सी, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही निम्रता वाला सी, बहुत ही झुकाओ वाला सी। घटो घट मेरा तो जो तजर्बा है, तुसी वेखो उसकी जदों मौत हुई, मैं तुहानू चिट्ठी दिखाना हाँ, शायद मेरे को इत्थे पई है, उसकी मौत 8 मार्च 1988 ईस्वी नूं हुई सी। 9 मार्च 1988 ईस्वी नूं चमकीले दे मरण की खबर अखबारों में छपी सी। 9 मार्च नूं मेरे को चमकीले की 27 फरवरी 1988 नूं लिखी चिट्ठी मिली। मेरे बारे चमकीले दे की विचार हन, उन्हां मेरे बारे की लिखा है, पढ़ के दसदा तुहानूं। 27/2/1988 की चिट्ठी जी, पूजनिक श्री चरणजीत आहूजा जी, मानयोग भाजी, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आप जी की कृपा सदका राजी खुशी हाँ, आप दे परिवार ते आप जी की राजी खुशी भली लोड़दा हाँ। तुसी सोचते होवोंगे कि चमकीले ने ना कदे कोई फोन और ना कदे कोई चिट्ठी पत्र पाया, सो भाजी आप जी की इन्नी कृपा हो गई है कि मेरे को वक्त नहीं निकलिया। मैं जिस दिन भी वेला होया आप जी नूं जरूर मिलांगा। बाकी भाजी रिकॉर्डिंग भी करनी है, मैं मैटर तैयार नहीं कर सकया, सिर्फ मेरे को टाइम नहीं सी। दूजी गल भाजी, तुसी चढ़दी कला च होवोंगे मैनू यही ही उम्मीद है। मेरे घर दूसरा काका आप जी का पोतरा, जो तुसी कहा सी कि चमकीले तेरे घर मुंडा आने वाला है, आप जी दे बोल सच और समुचे हो गए। मैनू आप जी तो आस है कि मेरे लिए नहीं समुचे कलाकारां लई और अपने अजीजां लई जरूर सोचते होवोंगे। जिस दिन भी मेरे को टाइम होया मैं आप जी की सेवा च हाजिर होवांगा। मेरे और बब्बी वालों सारे परिवार को सत श्री अकाल, आप जी का अजीज, आप जी का आशीर्वाद। चमकीला, तुहाडे दिल विच चमकीले बारे की थां है? मैनू चमकीला इन्ना ही प्यारा सी जिन्हें मैनू मेरे बच्चे प्यारे हैं, मैं उसनू बहुत प्यार करता सी। अज तक इस घाट नू कोई भी पूरी नहीं कर सकया। दोस्तों ये सी संगीत सम्राट चरणजीत आहूजा जी वालों दित्तियां कुछ जानकारियां। मिलते हैं अगली जानकारियां। धन्यवाद जी।